नमस्ते मैम और सर, आज हम बताएंगे आपको कि ये रीच का प्रोडक्ट रीच इवॉल्व कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है बॉक्स ओपन करना। तो आपको ये रोप्स खोलनी है और बॉक्स की जो ऊपर टेपिंग है वो खोलनी है। तो आपको इसमें वारंटी कार्ड और इसको कुछ मैनुअल मिलेंगे, साथ में आपको ये टूल्स मिलेंगे एंड आपको इसके स्पेयर पार्ट्स और तो सर आपको बॉक्स में ये पार्ट्स मिले होंगे और एक मेन पार्ट ये मिला होगा आपको। सर ये वाला पार्ट लेंगे पहले और ये सामने लगाएंगे। अभी मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। इसमें मैं लगाता हूँ। सर ये वाले लंके से ये सारे बोल्टों को टाइट करेंगे। सर अभी चारों बोल्ट मैंने टाइट कर दिए हैं। उसके बाद सर ये नॉब लेंगे, ये वाले, उसको यहाँ पे लगाना सर। ये मैंने टाइट कर दिया है सर, ये एडजस्ट करने के लिए होता है। एक दो तीन, अभी तीसरे पर लगा दिया मैंने, ठीक है। दूसरा सर ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पे लगता है, इसको उठा के इसमें लगाना होता है, ठीक है। और उसके बाद चारों बोल्टों में वाशर लगा के इसमें आपको लगाना है। इस लंकी से सर चारों बोल्ट को टाइट करेंगे। सर अभी चारों बोल्ट टाइट हो गए हैं। उसके बाद सर ये दो बोल्ट लेंगे, ठीक है। ये वाले पार्ट को पकड़ के ऐसे करना है और ये पहले ये बोल्ट लगाना सर बैक साइड में। ये वाला बोल्ट ओपन करके सर यहाँ पे डालेंगे, दूसरी साइड क्रॉस आ जाएगा। फिर एक साइड में सर इसका इससे सहारा लेंगे, दूसरी साइड इससे बोल्ट करेंगे। इधर मैंने अभी इसको होल्ड कर लिया है और अभी मैं इसको यूं करके टाइट करता हूँ। सर दोनों बोल्ट टाइट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम आराम से करेंगे। सर उसके बाद में ये हैंडल लेंगे और ये चार बोल्ट लेंगे, ठीक है, देखते हैं। और हैंडल को यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। पदम हाँ।
इस तरह से बोल्ट लगाना है और इधर पे बैक साइड में वाशर और बोल्ट। इसके सर ये दोनों पार्ट लेना है सर, और एक से इधर पे होल्ड करना है बोल्ट को और दूसरे से टाइट करना है। इसी तरह के सर चारों बोल्ट टाइट करना है दोनों तरफ के। सर चारों बोल्ट टाइट हो गए हैं। टाइट हैंडल लेंगे सर, ठीक है, और इसको लगाएंगे। ये लेफ्ट का है, देखिए लेफ्ट है, लेफ्ट में लगेगा यहाँ पे इस तरह का। राइट वाला भी लेंगे और ऐसा ही लगाएंगे जैसा लेफ्ट लगाया यहाँ पे। सर ये वाला टूल लेंगे ये और बोल्टों को टाइट करेंगे। सर चारों बोल्ट टाइट कर दिए हैं मैंने, दोनों हैंडल के, दो ये और दो ये। उसके बाद सर ये पार्ट लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये वाला बोल्ट लेंगे, मोटे हैं, और इसको यहाँ पे लगाएंगे इस वाले में। दूसरा बोल्ट इसमें क्रॉस करके और इसमें लगाना, हैंडल वाले में टाइट करना, मोटे लंकी से इसको टाइट करेंगे बोल्ट को। पूरा ठीक है, उसके बाद आप लेफ्ट का भी करेंगे। सर ये दोनों बोल्ट टाइट हो गए हैं लेफ्ट के भी, ठीक है। अब पैडल लेंगे सर, टाइट लिखा है और ये दो बोल्ट लिए हैं, इसको ऐसे करेंगे इसमें पैडल। इसके बैक में सर बोल्ट देखिए यहाँ पे लगेगा, दूसरा भी ऐसे निकलेगा इसी तरह का। सर ये चाबी लेंगे, इससे टाइट करेंगे इसको। देखिए अभी राइट वाले तो दोनों बोल्ट टाइट हो गए हैं सर, उधर भी। अब लेफ्ट वाला ले, कलर 35 का दोनों बोल्ट टाइट हो गए हैं सर पैडल के, दोनों पैडल रेडी हैं। अब अपना लेंगे मॉनिटर। सर ये बैटरी ओपन कर ली है, यहाँ पे बैटरी लगाएंगे सर। डिस्प्ले चालू हो गई सर, अब ये बोल्ट खोलेंगे चारों।
सर ये वायर लगाने के लिए सर इसमें यहाँ पे लॉक होता है और एक ये लॉक होता है, तो इसको लॉक के हिसाब से लगाना पड़ता है। ठीक है, देखिए ब्लैक वाले में भी सारे में लॉक होता है सर, इसको भी लॉक के हिसाब से लगा दिया। उसके बाद सारे वायर यहाँ से अंदर करना है सर। इसको लगाएंगे बोल्टों को। ये वाला टूल लेंगे सर, इसमें पेचकस है, उससे ये बोल्टों को टाइट करना है, चारों बोल्टों को टाइट करना है सर। सर चारों बोल्ट टाइट हो गए हैं, बच रहा है सर। ठीक है, पल्स वाला है, इसको ऐसे निकाल के ऐसे इधर पे, और ये पॉइंट है इसमें लगाना है, इसमें इस तरह से। ठीक है सारे दो बोल्ट सर ये बच रहे होंगे, ये यहाँ पे लगता है इसमें। यहाँ पे उसके बाद सर यहाँ से इसको होल्ड करने के बाद इस एलंग की हथी उससे टाइट करना बोल्ट को। सर ये बोल्ट टाइट कर दिया है, सर ये दोनों टाइट हो गए। ठीक है, ये सर पूरा इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर, आप देख सकते हैं सर। आई होप सर अगर एक बार आप इस वीडियो के थ्रू आप बड़े आराम से इस रीच के प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर लोगे। धन्यवाद।